वाटर टेम्परेचर को एकदम मिनिमम माना है जो मेरे को मिलता था दिल्ली में, लेकिन मैं अभी दिल्ली नहीं हूँ। दिल्ली से 7000 किलोमीटर मॉस्को और 5500 किलोमीटर तो मिनिमम है। मेरे को भी इस बात से डर है कि मैं अगर खाना पीना नहीं खाऊँगा तो मेरा क्या होगा। ये भाई साहब हमें कुछ मैगजीन पे लेके आए हैं, मेरे लिए बियर खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमारे इंडियन बूट यहाँ नहीं चलेंगे। और ये उनकी मम्मी के घर को लाया है, ये है इनका मम्मी का घर। इसको लगा कोई तो पहचान और आया है, दबा के सिर्फ वाटर भर रहे भाई साहब, जो हमें लगेगा गर्म करने के लिए पानी। पता नहीं ये क्या है, ये अलेक्जेंडर की अगर माँ है तो मेरी भी माँ है। ये बहुत डराने वाली चीज़ है मेरे लिए क्योंकि मैंने 18 टेम्परेचर को एकदम मिनिमम माना है जो मेरे को मिलता था दिल्ली में, लेकिन मैं अभी दिल्ली नहीं हूँ। दिल्ली से 7000 किलोमीटर मॉस्को और 5500 किलोमीटर तो मिनिमम हूँ। मेरे को ये नहीं पता है कि मैं इस मेरे फ्रेंड के साथ जा कहा रहा हूँ, ब्लाइंडली कर रहे थे, लेकिन ये मेरा सर्वर बैंक है, ये तो 100% मैं जानता हूँ। ये मेरा 24 हाउस वेच है, ESBER PANK ऐसा स्पेलिंग है उसका, इतना तो मैं जान गया। पी को कहा जाता है आर, यहाँ से हमारी 71 नंबर की माशूत का आ चुकी है। आप देख सकते हो उसका 71 नंबर इस माशूत का से हम अभी जा रहे हैं कहीं, तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। टिकट विकेट सारी कटवा लेगा, पता नहीं वो उनका क्या सिस्टम होगा, कितना देगा
रही मैगज़ीन की दुकान जहाँ पे हम अभी आए हैं। ये आदमी क्या कर रहा है, शायद इसका कोई रोज़मर्रा का काम कर रहा है, मिलती से से उतरे थे, फिर दूसरे माशुक्का में आ गए हम। एक 10 मिनट का वो वेट लगा के, ये सारा मामला उनका अलग है। वाह, ये जो भाईजान है मेरे कहीं तो घुमा रहे हैं मेरे को, लेकिन बार बार जो ट्रांसलेशन हम करते हैं इससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। मैं उनके विश्वास पे अभी जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता है ये मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये है पूरा साइड का माहौल, खतरनाक तरीके से। रही रोड साइड की दुकानें जो अपने यहाँ मिलती हैं, ये रहा वो पुल। Да нет, вы почти, почти. Джимми, Джимми, Джимми. Аджа, аджа, аджа. Джимми, Джимми, Джимми. Аджа, аджа, аджа. Джай на веса. Джимми, Джимми, Джимми. Аджа, аджа, аджа. Джимми, Джимми, Джимми. Аджа, 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 аджа. ये भाई साहब हमें कुछ मैगज़ीन पे लेके आए हैं, मेरे लिए बियर ख़रीदना चाहते हैं। और मैं लूँगा मेरी जो पहचान वाली बियर है, यही लूँगा मैं, यही एकदम अच्छा है। 8% आई हो टू सेम टू सेम टू। ये अपनी मम्मी को कुछ तो लेके जा रहे हैं और इनके घर जाके हम स्नान करने वाले हैं। उन्होंने कुछ तो पिशवी में सारा सामान कुछ लिया है मेरे लिए। ये व्लॉग एकदम अच्छा रहा कि मैं किसी रशियन फैमिली से मिल पाया। यहाँ से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि हमारे इंडियन बूट यहाँ नहीं चलेंगे। और ये उनकी मम्मी के घर को लाया है।
फैक्ट्री भी है इनका मम्मी का घर गिर लगा कोई तो पहचान हो आया है दादा। उनकी मम्मी जी है जो हम इनके घर में आए थे सुबह निकलने के बाद, उन्होंने कुछ तो सारा खाना पीना उनके लिए लिया था। उनका कुत्ता बहुत भौंक रहा था और कहीं तो वाटर वाटर बोल रहे हैं, मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि वाटर क्या है। कुत्ता अंदर बहुत शोर कर रहा है, मम्मी जी हमको कुछ तो बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हैं। Там все, верюшку откроешь и все. Что, забыл что ли? खरीदा इसके लिए। मैं ये नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि मेरे को एक रशियन फैमिली के साथ उनके साथ कुछ खाना करके ऐसा कुछ रशियन स्नान लेना है। उनके साथ कुछ तो ये हो रहा है, कोई चूल्हा कैसे जलाना ऐसे कर रही है मेरी मम्मी जैसा। उनके साथ लेके जा रहे हैं पानी की बोतल, कहाँ से पकड़नी है। उन्होंने बम गरम कर दिया है, उन्होंने सही सुना था कि मैं एक रशियन फैमिली के साथ, उस स्नान को क्या कहा जाता है मैं अभी भूल गया, लेकिन आपको जब मैं एडिटिंग करूँगा 100% बताऊँगा उस स्नान को क्या कहा जाता है। यहाँ का जो सिस्टम है सारे बर्फ के तहत, इसको हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वाटर भरना है, सिर्फ दबा के सिर्फ वाटर भर रहे भाई साहब, जो हमें लगेगा गर्म करने के लिए पानी। जो अभी स्नान हम कर रहे हैं उसको कहा जाता है बनिया स्नान, बनिया। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी, वो जो अपना बॉयलर है उसमें पानी भर रहे हैं, जो पानी हमने लेके आए थे। शायद हो सकता है कि और भी पानी लाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये सारा बॉटल हमने लेके आए थे वहाँ से। स्नान के लिए हमने बहुत कुछ झेला है, हमने 2-3 बार ऐसी वाली बॉटल भर के लेके आई थी जो उनके बॉयलर में डाली है। यहाँ पानी खींचने का सिस्टम भी एकदम अलग है, मेरे को ये समझना है। एक चमचा दबाने पे पानी ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि साइड में तो बर्फ है। मेरे को लगा ये इंडिया में जैसा अपना पानी खींचने वाला हफ्सा होता है वैसा कुछ हुआ होगा। इसमें देखिए लकड़ी कितनी उन्होंने डाली है, इतना सारा लकड़ी लगा के बॉयलर हमने कर दिया शुरू। भाई सब लगे पड़े हैं बनिया स्नान के चक्कर में। मैं उनकी माँ को कुछ कोविड के जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा मेरा ज्ञान समझा रहा हूँ। हमारी जो प्रिंट आउट होती है ये 10 रुपये की होती है, उनकी प्रिंट आउट 500 या 1000 की होती है, यानी ये सारी बेवकूफ बनाने की चीज़ें हैं। जो इनकी माँ है कात्या, तो इस पे ये सारा दिन भर उनका जो काम चलता है सिलाई का ये उनकी मशीन है। और उनके घर में जो लाइट का जो यूज़ होता है ये सारा इतना ज़्यादा है, उनका टीवी चलेगा, ये चलेगा,
पूरा रूम हीटर उनके यहाँ लगे रहते हैं। रूम हीटर पूरे घर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर जो जिस टाइप से ये होती है बर्फबारी, इसे रिलीफ महसूस कर सके, इसलिए पूरे घर में ऐसे वाले रूम हीटर्स लगाए गए हैं। बन गया स्नान। ओ कोल्ड 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 इस खतरनाक कोल्ड। इतना गर्मी है अंदर, आप महसूस भी नहीं कर सकते कितना गर्मी है। ये पूरा आप कपड़ा निकाल के उसमें ये कर सकते हैं। ओ खतरनाक वाला जो बम 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 बम। हम वो महसूस भी नहीं कर पा रहे, उन्होंने जो डाला है ना अंदर, एकदम भाप जैसा आ रहा है मेरे ऊपर। वो क्या डाल रहे हैं पता नहीं वो क्या डाल रहे हैं। ये जो झाड़पाला है उसमें वो पानी लेके उसमें डाल रहे हैं। मैंने इतना गर्मी कभी भी महसूस नहीं किया होगा जितना मैं अभी कर रहा हूँ। मेरी पूरी बदन जल रही है। पूरा अंदर से भाप आ रहा है। मेरे को लगता था कि मेरी कहीं वो जो चश्मे की ये है, क्या बोलते वो जल ना जाए। ये दवाई ऐसी है कि जिसका बाप लेती है आप पूरा उठा उठा पूरा चरमरा लगेंगे। पता नहीं ये क्या है। दोरोया। इसके बाद इस माँ को अगर कुछ अड़चन आती है तो ये मेरा धर्म बनता है कि इस माँ को मैं जल्दी जल्दी आके उसका सारा सॉल्व कर दूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अलेक्जेंडर के साथ। और उनका जो घर है पूरा मैंने एक्सप्लोर कर दिया, उन्होंने मेरे लिए जितना किया। चरणों में जाके कितना अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ।